नरेशन लोगों पर रखा है। हम कोई गैंग बैंग नहीं है, हम सब जमातों का एक गठबंधन है। जो हमें गैंग कहते हैं वो मेरे सब, मैं समझता हूँ सबसे बड़े डाकू होंगे, इसीलिए वो सबको गैंग की तरफ से नहीं। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसने उन्होंने कब फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तानी नहीं कहा? कब आपके जम्मू में फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी नहीं बेचा? मगर जब हिंदुस्तान का नाम लेना था और हिंदुस्तान के बारे में बात करनी थी तो जनीवा में कौन था? फारूक अब्दुल्ला था, जो इस मुल्क की इज्जत को बचाने के लिए बैठा था। यूनाइटेड नेशन में कौन था? वो वियना में कौन था? फारूक अब्दुल्ला। तब उनको नहीं दिखता, इनको वो वाजपेयी की बात याद नहीं आती है जब वो जनीवा से वापस आए और किसा तारीफ, ये उनको याद नहीं आता। डेलीगेशन आपको जम्मू से मिले हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स है? सर आप सब डेलीगेशन जो मिले उनको सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की थी कि हमारी जमीनें जा रही हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं, हमारा सब कुछ जो था वो मिट रहा है। देखिए जहाँ तक यूएस के प्रेसिडेंट का सवाल है, एक नया प्रेसिडेंट आया है, हम उम्मीद करेंगे कि जो ट्रंप ने दुनिया का बेड़ा गर्क किया वो ये ठीक करने की कोशिश। देखिए पीपल्स अलायंस ने ये फैसला किया है कि हम सब मिल के लड़ने वाले हैं, मगर एक सिंबल नहीं मिल सकता, इसलिए हम अपने अपने सिंबल पे लड़ेंगे और कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, वो सब जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे हम सब जमातों के विधानसभा। और जहाँ तक विधानसभा वगैरह का सवाल ही नहीं, अभी तो कोई उसका डेट नहीं है, अभी तो डिमिलिटेशन नहीं हुआ है, मगर एक बात मैं आपके दिमाग से निकालना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम देश के दुश्मन हैं, हम देश के दुश्मन नहीं हैं। हाँ हम बीजेपी के दुश्मन जरूर हैं, वो यहाँ हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग खड़ा करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को मानते हैं जहाँ सब बराबर हैं, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो कश्मीर का हो, आंध्र का हो, तमिलनाडु का हो या कहीं का भी हो, हम उस चीज को मानते हैं। आप एक मुंह बंद करूंगा, देखिए जहां तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, उनने पहले ही 7,000 करोड़ रुपया जमा कर रखा है, वो मीडिया को खरीद रहे हैं, किसी को झांसा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, मगर जैसे ट्रंप का हाल हुआ इंशाल्लाह इनका भी वही हाल होगा जो ट्रंप का।